हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत में यहीं से कर रही हूँ। तो ये हमारे घर के पास का जो है छोटा सा ऐसे ही नाली जैसी है। तो यहाँ से देखिए कितना पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और साथ में जो है इधर जो है लैंड स्लाइडिंग हो गई ऊपर से। रात भर जो है बहुत ज़ोरों से बारिश हुई और हमारे यहाँ ग्वाइनी के नीचे जो है लैंड स्लाइडिंग हो गई। और पानी जो है यहाँ से देखिए किस तरह से पानी जो है बह रहा है। अगर आपको ढंग से दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए, पानी जो है बहुत बह रहा है। और फ्रेंड्स, रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि डर लग गया। और हमारे पशुओं के पास भी जो है पानी आ गया छप्पर से, इतनी ज़ोरों से जो है बारिश हुई। और जब सुबह मैं गाय दूने गई तो मेरी जो गाय सहमी हुई देख रही थी, जब मैं उसको दूने गई तो वैसे डरी हुई थी। और उसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा पानी आया। पहले तो मैंने उस पानी को निकाल लिया, फिर उसके बाद जो है बिल्कुल साफ़ कर दिया, फिर उसके बाद जो है दूना स्टार्ट किया। और ये देखिए अखरोट, हमारे अखरोट जो है हम अब 5-7 दिन में निकाल देंगे। और ये देखिए इधर भी है अखरोट। और फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ सेंटर और यहाँ पर भी जो है भारी मात्रा में शाम को लैंड स्लाइडिंग होगी। और पानी जो है बिल्कुल रोड से जा रहा है, देखिए। और पूरी सड़क में जो है हमारे पानी पानी और खड्डे और खाइयाँ बनी हुई है। और ये देखिए रोड में अभी तक जो है पानी लगा हुआ है। बारिश तो थम चुकी है लेकिन पानी जो है अभी भी लगा ही हुआ है। पूरा रोड जो है ख़राब हो गया। और पूरे बरसात में जो है ऐसी बारिश नहीं हुई जितनी आज रात को हुई। बहुत जोरों से बारिश हुई कि डर लग गया। और यहाँ पर भी ऊपर से जो है लैंड स्लाइडिंग हो गई और इधर भी हो गई। और खड्ड जो है बहुत ज़्यादा आ गई और अभी भी हो रही है लैंड स्लाइडिंग। देखिए मिट्टी जो है गिरे जा रही है और खड्ड जो है। और यहाँ पर देखिए कितना पानी आ चुका है, बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। और ये देखिए हर कहीं से जो है सुब्बल निकल गई है। और पानी जो है बहुत खुला पानी आया हुआ है मिट्टी के अंदर अंदर से ही, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। और ऐसे में पहाड़ों में पानी जो है बीच बीच में, धरती के बीच बीच में रिस जाता है, जिससे कि लैंड स्लाइडिंग का खतरा होता है। और मेरे पांव थोड़े गंदे हुए थे तो मैं अपने पांवों को धो लूँगी। और रोड में भी पूरी जगह जो है पानी ही पानी आया हुआ है, देख सकते हो आप। और यहाँ से जो है ये पानी नीचे को, यहाँ से नीचे को जा रहा है। और पेड़ फूल जो है नीचे की तरफ झुक चुके हैं पानी के और मिट्टी की स्लाइडिंग की वजह से। और यहाँ पर जो इकट्ठे हुआ है ऊपर वाला हमारी नालियों का पानी, नाले का, तो यहाँ आकर देखिए कितना बढ़ गया है पानी। ऊपर से जो है थोड़ा थोड़ा था लेकिन यहाँ आकर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इस वजह से जो है यहाँ पर भी लैंड स्लाइडिंग हो गई बहुत ज़्यादा। तो आसमान में फिर घनघोर बादल आ गए थे
और मैंने घास भी नहीं निकाला था, क्योंकि हिमाचल में ऐसा ही होता है आजकल बरसात में एकदम से जो है बारिश आ जाती है। और ये रिया की बड़ी मम्मी जो है गोबर का कीड़ा जो है लेके जा रही है खेतों में। और फिर मैं चली गई थी नीचे को घास निकालने। जितने में मैं घास निकालना शुरू ही किया था कि जोरों से बारिश आ गई, और फिर भीगते भीगते जो है मैंने घास निकाला और बादल जो है गरज भी रहे थे साथ साथ में, और बहुत बादल छाए हुए घनघोर बादल। तो यही था आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।